नमस्कार, स्वास्थ्य और सौंदर्य की नई जानकारियाँ लेकर हम हाजिर हैं नव प्रभात लाइव पर। आज हम बात करेंगे चंदन की, यानी चंदन में कितने गुण होते ये हम आपको बताएंगे। वैसे तो चंदन एक सुगंधित और प्राकृतिक लकड़ी होती है, लेकिन इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में सबसे ऊपर माना गया है। इसके अलावा आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने में चंदन का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। वैसे तो अल्सर एक आम रोग है, लेकिन इसका रोगी यानी जिसको अल्सर होता है उस रोगी को हमेशा पेट के अंदर जलन की शिकायत बनी रहती है। ऐसे में चंदन की लकड़ी का अर्क यदि रोगी को रोजाना पिलाया जाए तो उसको जलन से काफी आराम मिलेगा। सिर दर्द की समस्या हम सभी को कभी न कभी हो ही जाती है। ऐसे में यदि आप चंदन के पाउडर का लेप तुलसी के पत्तों के साथ मिलाकर, यानी कि तुलसी के कुछ पत्ते लें और चंदन का पाउडर लें, दोनों को मिलाकर एक लेप बना लें, उसे अपने माथे पर लगा लें, आंख बंद करके 10 मिनट के लिए लेटें, लेप सूखने के बाद सादे पानी से धो लें, आपके सर दर्द जैसे था ही नहीं। दोस्तों, ये तो ही स्वास्थ्य की बातें। अब चंदन हमारे सौंदर्य को कैसे बढ़ाता है ये भी जान लीजिए। जब हमारी त्वचा अधिक मात्रा में तेल और सीबम बनाना शुरू कर देती है, ऐसे में हमारे चेहरे पर कील, मुहासे, झाइयां, दाग धब्बे व दानों की शिकायत हो जाती है, तो आपको करना ये है कि मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर को बराबर बराबर मात्रा में लेने, ठंडे पानी के साथ इसका एक घोल बना लें, पूरे चेहरे में लगा लें, आधे घंटे के बाद लेप सूखने पर सादे पानी से अपने चेहरे को धो लें। एक महीने तक लगातार ये उपचार करने पर आपको निश्चित फायदा मिलेगा। तो ये थे चंदन के स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी गुण। इसलिए आप चंदन का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य और सौंदर्य की नई जानकारियां लेने के लिए बने रहे हमारे साथ नव प्रवाह लाइव पर।